Dear students, welcome in the lecture on metal carbonyls. And in this lecture, we will give an application part of vibrational spectroscopy. Actually, the lectures we had studied that are also related to the application part. Now you can think about the gist of all that have been studied in the previous lectures regarding the vibrational spectra. तो बच्चों आपका स्वागत है इस मेटल कार्बोनिल के लेक्चर में जहां पर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे जो हमने मेटल कार्बोनिल्स का देखा और उसकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की जो एप्लीकेशंस हैं उनका हम जिस्ट देखेंगे कि ये कहां कहां पर अप्लाई की जा सकती है. ओके, तो जो एप्लीकेशन पहली हमने डिस्कस भी की थी वो है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन. तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इट इज हेल्पफुल इन द इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. और स्पेशली आप देखेंगे एक तो हमें पोजीशन ऑफ बैंड पता चलती है इस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की हेल्प से. एक हमें पता लगता है कि नंबर ऑफ कार्बोनिल बैंड्स कितने होंगे. एक्चुअली हम यहाँ पर पीक्स ना कह के बैंड कह रहे हैं तो बैंड या पीक्स हम डिस्कस कर सकते हैं. तो इसको मैं एक बार जस्ट आपको दे रही हूँ कि पोजीशन ऑफ बैंड्स हमने क्या पढ़ा था. उसमें हमने पढ़ा था कि पोजिशन ऑफ बैंड डिपेंड करती है मोड ऑफ अटैचमेंट पर. तो मोड ऑफ अटैचमेंट जो है वो कार्बोनिल का मेटल के साथ कैसा है उस पर डिपेंड करेगी. तो मोड ऑफ अटैचमेंट में भी टर्मिनल क्या हो सकती है, टर्मिनल हो सकती है और कैसी हो सकती है, ब्रिजिंग हो सकती है. तो जब टर्मिनल होगी तो जो म्यू सीओ होगी वो टर्मिनल की क्या होगी, अधिक होगी और ब्रिजिंग की क्या होगी, और कम होगी. क्योंकि यहाँ पर ब्रिजिंग में क्या होता है कि मेटल की जो बॉन्डिंग है वो नंबर ऑफ मेटल एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं. और इसमें भी आप देखेंगे जो ब्रिजिंग है वो दो तरीके की थी, एक म्यू टू ब्रिजिंग और एक म्यू थ्री ब्रिजिंग. तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो जो सीओ की स्ट्रेचिंग थी वो म्यू थ्री ब्रिजिंग में और कम हो जाएगी. इसके बाद हमने डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े थे. जैसे हमने पढ़ा था कि जो जो मेटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, सो मेटल के ऊपर किसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो जितनी अधिक मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना वो क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा. और जितना बैक बॉन्डिंग करेगा इट विल वीकन दिस डबल बॉन्ड, इसको वीकन करेगा तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा. अब ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हम कह रहे हैं इसको हम कैसे कोरिलेट करते हैं आईआर में, इसको देखते हैं. कैसे समझेंगे बच्चों इसको, हम ऐसे समझेंगे अगर मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रही हूँ तो मैं स्ट्रेचिंग और बेंडिंग की बात कर रही हूँ. ओके, तो मैं वाइब्रेशंस की बात कर रही हूँ. अगर मैं वाइब्रेशन की बात कर रही हूँ तो जो एनर्जी इस स्ट्रेचिंग यानी वाइब्रेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है के अपॉन म्यू के. जहां पर ये के क्या है, ये है फोर्स कांस्टेंट. ओके, तो ये फोर्स कांस्टेंट है और म्यू क्या होता है, रिड्यूस्ड मास होता है. ये रिड्यूस्ड मास है. और अगर मैं M1 और M2 अगर दो एटम्स के मास हैं, जैसे हमारे पास कार्बोनिल है. ओके, तो यहाँ पर एक एटम कार्बन है और एक ऑक्सीजन है. तो रिड्यूस्ड मास हम कैसे निकालते हैं, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2. तो ये क्या निकल जाता है, म्यू की वैल्यू निकल जाती है. अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, ये फोर्स कॉन्स्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है कि जो फोर्स कांस्टेंट क्या बता रहा है, जो बॉन्डिंग है इन बिटवीन टू एटम्स इनको बता रहा है. तो जितनी अधिक ये फोर्स कांस्टेंट होगी उतनी अधिक एनर्जी की जरूरत होगी उस बॉन्ड को वाइब्रेट करने के लिए, इसलिए वो हायर वेव नंबर पर एब्जॉर्ब करेगा. तो फोर्स कांस्टेंट मतलब जितनी अधिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी अधिक स्ट्रेंथ मींस जितनी अधिक मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ही अधिक
फोर्स कांस्टेंट होगा, तो ये हायर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, ये लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज एनर्जी और एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन दी फोर्स कांस्टेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। फोर्स कांस्टेंट बताता है कि स्ट्रेंथ क्या होगी बॉन्ड की, तो स्ट्रेंथ अगर अधिक होगी तो फोर्स कांस्टेंट अधिक होगा, फोर्स कांस्टेंट अधिक होगा तो हायर एनर्जी पर ये एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये अगर मेटल पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी तो ये क्या करेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा। फिर एक हमने जो फैक्टर देखा था वो था, वो फैक्टर था बच्चों, दैट इज दी लिगेंड डोनर इफेक्ट। तो लिगेंड डोनर इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि जो लिगेंड है वो कितनी आसानी से मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो अदर देन कार्बोनिल है। तो क्योंकि ये क्या करेगा, अगर लिगेंड डोनर अच्छा होगा तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की क्या हो जाएगी, दैट विल डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज हो जाएगी तो ये लोअर फ्रिक्वेंसी पर एब्सॉर्ब करेगा। और एक और मैंने आपको फैक्टर बताया था वो था ज्योमेट्री। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है पोजीशन, जहां पर कार्बोनिल कम होंगे वो क्या करेगा, वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, देन जहां पर अधिक कार्बोनिल होंगे वो हायर फ्रिक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये मैंने आपको पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स के बारे में जानकारी दी थी, जिसको मैंने फिर से इसको आपको रिपीट करके बता रही हूँ, वो मैं आपको एक जिस्ट बता रही हूँ अबाउट नंबर ऑफ पीक्स। अब नंबर ऑफ बैंड्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। हमने पढ़े थे बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको मैंने एक तो बताए थे डाई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो अगर डाई कार्बोनिल्स की बात मैं करूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, MCO2L4 ये क्या हो सकता है बच्चों, सिस हो सकता है, और अगर ये सिस होगा तो इसकी जो पॉइंट ग्रुप होगी वो क्या होगी, C2V होगी, और अगर C2V पॉइंट ग्रुप होगा तो ये दो बैंड शो करेगा, दो पीक शो करेगा, जिनका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, A1+B2, तो ये कितनी पीक शो करेगा, 2 पीक्स शो करेगा। ओके, अब आप देखिए अगर डाइकार्बोनिल होगा तो डाइकार्बोनिल में भी ट्रांस, ये ट्रांस भी हो सकता है, और अगर ये ट्रांस होगा तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या था, D4H, और अगर ये D4H पॉइंट ग्रुप होगा तो केवल एक ही पीक शो करेगा जिसका रिप्रेजेंटेशन होगा A2U। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये डाइकार्बोनिल, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो इस तरीके से हम पीक बता सकते हैं। देन अगर मैं ट्राइकार्बोनिल की बात करूं ऑक्टाहेड्रल में, तो अगर मैं ट्राइकार्बोनिल की बात करूं तो ये देखिए दो तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, CO3L3, और ये हो सकता है फेसियल आइसोमर, और अगर ये फेसियल आइसोमर होगा तो इस पर पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C3V, और अगर पॉइंट ग्रुप C3V होगा तो इसके दो बैंड्स पॉसिबल हैं, A1 एंड E। ओके, और अगर ये जो दूसरा आइसोमर है इसका, ये क्या पॉसिबल है, ये मर आइसोमर पॉसिबल है, और इस मर की जो सिमिट्री, जो पॉइंट ग्रुप होगी वो C2V होगी, और अगर ये C2V होगी देन 3 रिप्रेजेंटेशंस आर पॉसिबल, सो 3 बैंड्स आर पॉसिबल फॉर ट्राइकार्बोनिल, जो कि क्या होगा, ये होगा हेक्सा, आप देख रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं बात करूं टेट्राकार्बोनिल की, तो अगर मैं बात करूं टेट्राकार्बोनिल की, तो टेट्राकार्बोनिल के केस में देखिए क्या पॉसिबिलिटी है कि MCO4L2 में भी ट्रांस, ये ट्रांस हो सकता है, और जब ये ट्रांस होगा तो इसमें पॉइंट ग्रुप क्या होगा, D4H, अगर D4H होगा तो केवल एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा और ये एक पीक शो करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, MCO4L2 ये सिस होगा, अगर ये सिस होगा तो इसकी पॉइंट ग्रुप C2V होगी, और अगर C2V होगी तो इसमें 4 पीक्स पॉसिबल है, A1+B1+B2 2A1 होंगे, और ये 4 पीक पॉसिबल होंगे। ओके, तो इस तरीके से अभी मैं आपको और फर्दर जिस्ट दिखाऊंगी, और उससे भी हम एक फिर जिस्ट निकालेंगे, वो जिस्ट क्या होगा उसको देखेंगे। हमने जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पढ़े वो पढ़े पेंटा कार्बोनिल, तो पेंटा कार्बोनिल अगर हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो पेंटा कार्बोनिल में एक ही पॉसिबिलिटी है, CO5
एल, और ये जो होगा इसकी जो पॉइंट ग्रुप होगी सी फोर वी होगी, और ये तीन पीक शो करेगा ए टू ए वन प्लस ई, तो ये कितनी पीक शो करेगा, थ्री पीक। और एक जो और हमारे पास कार्बोनिल हो सकता है ऑक्टाहेड्रल में, वो होगा हेक्सा कार्बोनिल, और हेक्सा कार्बोनिल को अगर आप देखेंगे तो एम सी ओ सिक्स होगा, और एम सी ओ सिक्स जिसका पॉइंट ग्रुप ओ एच होगा, इट विल शो वन पीक। अब हम इनमें कुछ कोरिलेशन देखेंगे बच्चों। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, जहां पर डी सिमिट्री है, अगर डी सिमिट्री है तो आप देखिए डी फोर एच, अब आप देखिए डी फोर एच कितने पीक्स हैं, वन पीक। ओके, तो जहां पर डी फोर एच होगा, जहां पर डी होगा डी डी एन एच पॉइंट ग्रुप, वहां पर आप देखेंगे एक पीक ही हमको मिलेगी। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है, इसलिए हमें एक पीक मिलेगी। अब आप देखिए जहां पर सी टू वी पॉइंट ग्रुप है, जहां पर सी टू वी पॉइंट ग्रुप है वहां पर हमें उतने ही पीक मिल रहे हैं जितने उसमें कार्बोनिल हैं। तो यहाँ पर सी टू वी पॉइंट ग्रुप है, देखिए दो पीक्स मिल रहे हैं। अब आप नेक्स्ट सी टू वी देखिए, सी टू वी है, यहाँ पर कितने कार्बोनिल है, फोर है, और यहाँ पर चार पीक आ रहे हैं। ओके, फिर आप देखिए, बस हम इतना ही बता सकते हैं। सी टू वी और डी को अगर हम देखें तो वहां पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहां पर सी टू वी है वहां पर उतने ही पीक्स आ रहे हैं जितने कार्बोनिल्स हैं, और जहां पर डी पॉइंट ग्रुप है वहां पर एक पीक आ रहा है, और इसी जिस्ट को हम दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में भी देखेंगे। करेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स की, और यहाँ पर हमने कई तरीके के कॉम्प्लेक्स देखे। अगेन यहाँ पर हमने देखा था डाई कार्बोनिल, तो अगर मैं डाई कार्बोनिल की बात करूँ, अगर वो उसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो डाई कार्बोनिल देखिए तीन तरीके से अरेंज हो सकता है, एम सी ओ टू एल थ्री। ओके, तो ये इसकी जो पॉइंट ग्रुप है वो होगी सी टू वी। सी टू वी कैसे होगी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो जो कार्बोनिल है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर दो जो पीक्स दो बैंड्स आएंगे और ये होंगे ए वन बी वन, तो दो पीक मिलेंगे। दूसरा जो डाइकार्बोनिल होगा जो ट्राइगनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अरेंज होगा, उस पर पॉइंट ग्रुप सी एस हो सकता है, जहां पर एक तो कार्बोनिल एक्सियल है और दूसरा कार्बोनिल क्या है, इक्विटोरियल है। ओके, तो यहां पर कितने पीक समय मिलते, कितने बैंड्स मिलते हैं, ए डैश प्लस ए डबल डैश, और हमें मिलेंगी दो पीक्स। अगर मैं तीसरे तरीके की डाइकार्बोनिल की बात करूं ट्राइगनल बाइपिरामिडल में, तो वहां पर जो जो पॉइंट ग्रुप है वो D3H है, और D3H पॉइंट ग्रुप तब होगा जब टू एक्सियल कार्बोनिल होंगे, और यहाँ पर केवल एक ही पीक मिलेगी, जिसके लिए जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वो क्या है, ए टू डबल डैश। तो इस तरीके से आप देखिए, अगेन यहाँ पर देखिए, अगर सी टू वी पॉइंट ग्रुप है तो उतने ही पीक्स आ रहे हैं जितने इसमें कार्बोनिल्स हैं। अगर मैं D3H की बात करूँ तो यहाँ पर केवल एक पीक आएगी, और बिल्कुल सी टू वी की तरह ही सी एस भी है कि सी एस के केस में उतने ही पीक आएंगे जितने कार्बोनिल हैं। तो आपको ध्यान रखना है सी टू वी एंड सी एस के केस में उतने ही पीक आएंगे जितने कार्बोनिल अटैच हैं, और डी के केस में एक पीक हमें मिलेगी, एक बैंड हमें मिलेगा। इसमें क्लास पढ़ी थी, वो पढ़ी थी ट्राई कार्बोनिल्स की, अगर वो ट्राइगनल बाइपिरामिडल की फॉर्म में अरेंज है तो ये देखिए कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ये ट्राई कार्बोनिल है, तीनों के तीनों जो कार्बोनिल है वो इक्विटोरियल पोजीशन पर हैं, तो जो इसकी जो पॉइंट ग्रुप होगा वो D3H होगा, और ये केवल एक पीक शो करेगा, एक पीक जो कि ई डैश को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये एक पीक शो करेगा। दूसरा जो इसका अरेंजमेंट हो सकता है वो अगेन सी ओ, इसमें दो लिगेंड होंगे और तीन कार्बोनिल होंगे, जहां पर आप देखेंगे दो तो एक्सियल होंगे कार्बोनिल और वन क्या होगा, इक्विटोरियल होगा, तो इसके पास पॉइंट ग्रुप क्या होगा, सी टू वी होगा। सी टू वी होगा तो उतनी ही पीक्स आएंगी जितने कार्बोनिल हैं, कितनी पीक आएंगी, थ्री आएंगी, उनके लिए जो रिप्रेजेंटेशन है वो है टू ए वन बी टू, कितनी पीक्स आई बच्चों, थ्री पीक्स।
देन तीसरा जो अरेंजमेंट है वो है एम सी ओ थ्री एल टू, जहां पर आप देखेंगे कि वन जो है वो एक्सियल पोजीशन पर जाएगा कार्बोनिल और टू कहां जाएंगे इक्विटोरियल पोजीशन पर। तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा, सी एस, सी एस होगा तो कितने पीक्स आएंगे, टू ए डैश प्लस ए डबल डैश, यानी थ्री पीक्स हमें मिलेंगे। अगेन अगर हम इसमें देखेंगे तो जहां पर डी पॉइंट ग्रुप है वहां पर एक पीक आएगा, जहां पर सी टू भी पॉइंट ग्रुप है वहां पर उतने ही पीक्स आएंगे, उतने ही बैंड्स आएंगे जितने सी ओ थ्री यानी थ्री आएंगे, और जहां पर सी एस पॉइंट ग्रुप है वहां पर उतने ही पीक्स आएंगे जितने कार्बोनिल है, तो थ्री पीक्स हमें मिलेंगे। अगर हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो आप देखेंगे कि जो टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की हम बात करेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, तो अगर वो टेट्रा कार्बोनिल होगा तो देखिए दो पॉसिबिलिटी हैं, सी ओ फोर एल जिसकी सिमिट्री क्या होगी, सी टू वी होगी, और एक पॉसिबिलिटी है एम सी ओ फोर एल जिसकी सिमिट्री जो पॉइंट ग्रुप है क्या होगी, सी थ्री वी होगी। सिमिट्री कब होगी, जब टू जो कार्बोनिल्स हैं वो इक्विटोरियल होंगे और टू क्या होंगे, एक्सियल होंगे। इस केस में हमें चार रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, टू ए वन बी वन प्लस बी टू, यानी टोटल कितनी पीक्स आएंगी, फोर पीक्स आएंगी। देन सी थ्री भी जो सिमिट्री है वो पॉइंट ग्रुप है वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर थ्री इक्विटोरियल कार्बोनिल होंगे और वन कैसा होगा, एक्सियल होगा। टोटल जो हमें पीक्स मिलेंगी वो टू ए वन प्लस ई, यानी टोटल पीक्स कितनी मिलेंगी, थ्री मिलेंगी। तो इसको अगर अगेन देखेंगे, सी टू वी पॉइंट ग्रुप मतलब है उतने ही पीक्स आएंगे जितने कार्बोनिल है, तो यहाँ पर हमें चार पीक्स या चार बैंड्स मिलेंगे, और इस सी थ्री वी के केस में हमें थ्री मिल रहे हैं जिसको हम एकदम से उसको हम बता नहीं पाएंगे। देन हम देखें अगर हम पेंटा कार्बोनिल की बात करें, तो पेंटा कार्बोनिल के केस में जो कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो एक एम सी ओ फाइव होगा, यानी यहाँ पर थ्री इक्विटोरियल कार्बोनिल होंगे, एक दो एक्सियल होंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो डी थ्री एच होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर डी थ्री एच होने के बावजूद भी आप देखेंगे टू पीक्स मिलेंगी जो कि ई डैश और ए टू डैश को रिप्रेजेंट करेंगी, और यहाँ पर टू पीक्स आएंगे, और टू पीक्स किसके होंगे बच्चों, टू पीक्स एक्सियल और इक्विटोरियल के होते हैं, जो कार्बोनिल है वो डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टू पीक्स जनरेट होके आते हैं। कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी देन वी विल गेट टू पीक्स, जिसके लिए हमें दो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मिलेंगे। तो बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने देखे थे डाई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो डाई कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स अगर हम देखेंगे तो ये अरेंजमेंट किस तरीके से हो सकता है, एम सी ओ टू एल टू, ओके। तो एम सी ओ टू एल टू जहां पर पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है, सी टू वी हो सकता है। अगर पॉइंट ग्रुप सी टू वी होगा तो यहां पर दो रिप्रेजेंटेशन हमें मिले थे, ए वन प्लस बी टू, इसका मतलब है टू पीक्स आर पॉसिबल, टू बैंड्स आर पॉसिबल। दूसरा अगर हम केस देखेंगे यहां पर डाइकार्बोनिल का, कार्बोनिल का केस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि चारों टेट्राहेड्रल में चारों पोजीशन एक सी है। तो दूसरा हम केस देखेंगे ट्राई कार्बोनिल का, तो अगर हम ट्राई कार्बोनिल देखेंगे तो वो क्या होगा, सी ओ थ्री एल, यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप होगा वो होगा सी थ्री वी, और जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे वो ए वन प्लस ई, और कितने पीक पॉसिबल हैं, टू बैंड्स और टू पीक्स पॉसिबल हैं। फिर अगर हम टेट्राहेड्रल में टेट्रा कार्बोनिल की बात करें, तो टेट्रा कार्बोनिल अगर आप देखेंगे तो टेट्रा कार्बोनिल में एम सी ओ फोर है, पॉइंट ग्रुप विल डी डी, एंड ओनली वन पीक विल बी ऑब्जर्व्ड, एक पीक ऑब्जर्व होगा। और अगर हम देखें सी टू वी को, तो अगेन उतने ही पीक होंगे जितने कार्बोनिल्स यहाँ पर अटैच्ड हैं। अब हम यहीं पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात कर लें। स्क्वायर प्लेनर में हमने डाई कार्बोनल्स पढ़े थे, और डाई कार्बोनल्स में दो सिचुएशंस पॉसिबल थी। एक तो था कि एम सी ओ टू एल टू, यहाँ पर
आपने देखा था अगर सी टू वी सिमिट्री है, सी टू वी पॉइंट ग्रुप है, तो ए वन प्लस बी वन दो रिप्रेजेंटेशन पॉसिबिलिटीज ऑफ द टू बैंड्स आर पॉसिबल. दूसरा अरेंजमेंट हमने देखा था एम सी ओ टू एल टू और वहां पर पॉइंट ग्रुप था डी टू एच, जहां पर एक जो हमें इसका जो एक बैंड पॉसिबल था वो बी थ्री यू था, तो एक बैंड यहाँ पर आएगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए सी टू वी पॉइंट ग्रुप है तो उतने ही पीक्स आएंगे जितने इसमें कार्बोनिल है. अगर डी पॉइंट ग्रुप है तो कितने पीक्स आएंगे, एक पीक आएंगे एक्सेप्ट पेंटा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के केस में, जहां पर ट्राइगनल पाइपिरामिडल ज्योमेट्री थी. तो इस तरीके से हमने एक जिस्ट बनाया है जहां पर आपने देखा है हम डिफरेंट जो जो मॉलिक्यूल्स हैं ज्योमेट्रीज हैं उनके नंबर ऑफ बैंड्स बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बैंड्स और पीक्स उसमें आएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. एप्लीकेशन जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो ये है कि ये बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करता है फ्रॉम रिलेटिव इंटेंसिटीज. और अगर हमें बॉन्ड एंगल पता होगा तो हम रिलेटिव इंटेंसिटीज निकाल सकते हैं दो कार्बोनिल ग्रुप्स की जो कि एक ही मेटल सेंटर से अटैच होंगे. तो फॉर अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स टू कार्बोनिल लिगेंड्स, टू कार्बोनिल ग्रुप्स ऑन द सेम मेटल सेंटर, रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द टू लिगेंड्स बैंड्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. तो अगर हम देखें कि एंगल बिटवीन टू लिगेंड्स, तो अगर दो लिगेंड्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है. और अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये सिस आइसोमर होगा, और सिस आइसोमर में आप देखेंगे अगर ये 90 होगा तो कोटेन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आई सिमेट्रिक बटे आई एंटी सिमेट्रिक इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि जो सिमेट्रिक जो इंटेंसिटी है वो एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी के बराबर है. मतलब यहाँ पर हमें जो दो पीक मिलेंगे दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी. और अगर ये जो एंगल्स हैं अगर ये 90 से अधिक होंगे, जैसे ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये सीओ और सीओ के बीच का जो एंगल है ये 90 से अधिक है. अगर ये 90 से अधिक होगा, देखिए ये ट्रांसपोजिशन है, ओके, ट्रांसपोजिशन में क्या होगा कि अगर ये 90 से अधिक होगा तो सिमेट्रिक जो ये रेशियो है ना ये 1 से अधिक आएगा. और जब रेशियो जो आई अपॉन आई एस अपॉन आई ए है इट इज ग्रेटर देन 1, जब ये ग्रेटर देन 1 आएगा तो जो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस की जो स्ट्रेचिंग है जो इंटेंसिटी है वो हायर आएगी और एसिमेट्रिक की क्या आएगी, कम आएगी. तो ये इंटेंसिटी हमें दिखाई भी देती है ट्रांजिशन जो ट्रांस आइसोमर होता है वहां पर एक पीक की इंटेंसिटी हाई होती है एक पीक की इंटेंसिटी लो होती है, तो हमें एक पीक दिखाई देता है. तो इंटेंसिटी का रेशियो हम कोरिलेट कर सकते हैं बॉन्ड एंगल से. जो दो कार्बोनिल एटम सेम मेटल सेंटर से अगर जुड़े हैं तो उनके बीच में बॉन्ड एंगल अगर हमें पता हो तो हम इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके. और नेक्स्ट जो इसकी मेन एप्लीकेशन वो है डिटेक्शन ऑफ कन्फर्मेशंस. मेटल कार्बोनिल के कन्फर्मेशंस को भी ये डिटेक्ट कर सकता है. ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल यहाँ पर एक हमने दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ईटा टू सी फाइव एच फाइव है, देखिए सी फाइव एच फाइव है ईटा टू, ये आयरन सेंटर है, दो कार्बोनिल हैं, देखिए दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, एक सी थ्री एच फाइव ग्रुप है, ओके. तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये अगर हम इसका आईआर स्पेक्ट्रा देखें तो ये हमें दो डबलेट शो करता है. क्यों करता है, ड्यू टू सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. इट इंडिकेट्स दैट टू कन्फर्मेशंस मे बी पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट. देखिए दो डबलेट शो करता है, एक डबलेट का मतलब है कि ये एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो करता है, वो तो डबलेट का मतलब है. लेकिन टू डबलेट आ रहे हैं,
टू डबलेट का मतलब है कि इसमें दो कंफर्मेशन पॉसिबल है। देखिए दो कंफर्मेशन पॉसिबल है, आप स्थिति इनकी पोजीशन देखिए, ये CO देखिए यहां पर है और यहां पर C3H5 यहां पर है और CO यहां आ गया। तो ये दो जो कंफर्मेशन है ये इक्विलिब्रियम इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं और जिसको हम IR स्पेक्ट्रा से देख सकते हैं। एक डबलेट इसमें से एक जो दो एक डबलेट है उसमें एक तो एंटीसिमेट्रिक की वजह से, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से, पर ये जो एक डबलेट है और जो दूसरा डबलेट है ये दोनों डबलेट किसकी वजह से हैं? दो डिफरेंट कंफर्मेशंस की वजह से हैं। स्पेस में जो ग्रुप्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, उसकी वजह से ये दो डबलेट आए हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो डिटेक्शन ऑफ कंफर्मेशन में भी हेल्पफुल है। तो अगर हम इसका जिस्ट देखें तो हम ये देखेंगे कि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है मेटल कार्बोनल्स की, वो एक तो स्ट्रक्चर इलिसिडेशन में हेल्पफुल है, यानी वो पोजीशन ऑफ पीक्स बताती है, बैंड्स बताती है या फिर नंबर ऑफ बैंड्स बताती है। दूसरा आपने देखा ये हमें इंटेंसिटी, रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ टू बैंड्स बताएगी अगर दो कार्बोनिल सेम मेटल एटम से जुड़े हुए हैं। और तीसरा आपने देखा कि कन्फर्मेशंस को भी ये डिटेक्ट कर सकती है आसानी से IR या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड ये आपने इस एग्जाम्पल से देखा जहां पर हमको दो डबलेट मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड इसी के साथ बच्चों वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल ये हमारा फिनिश हुआ। दिस इज ऑल अबाउट द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बोनिल्स एंड थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अगेन मीट विद द मेटल नाइट्रोसिल्स।